दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है, लेकिन इसको हटाने के खिलाफ कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ भी इस पे बनाई गई थी इसकी सुनवाई के लिए, और इसकी सुनवाई कर रही है। वहीं आपको बता दूं, अब खबर ये आ रही है कि आर्टिकल 370-35A को हटाने पर जो है देश के 30 से ज्यादा अधिक संगठनों ने और बुद्धिजीवियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कलाकारों ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को फिर से बहाल करने की मांग खड़ी कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये पूरी खबर क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की जरूरत है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब से आर्टिकल 370-35A जम्मू कश्मीर से हटाया गया है कि वहां पे लोगों को जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया था, जिस तरह से लोगों को नजरबंद किया गया था, उससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और अब सरकार ने वो प्रतिबंध हटा भी लिए हैं। लेकिन अब यह खबर आ रही कि देश के 30 से अधिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अब वो आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने की मांग खड़ी कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि जो है महिला संगठनों, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की अध्यक्ष एनी राजा और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की दिल्ली इकाई की अध्यक्ष मैमूना मुल्ला और स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की पोती आलिया शाह मुबारक और कश्मीरी पत्रकार बिलाल भट्ट समेत 200 से अधिक लोगों ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को बहाल करने और सुरक्षा बलों को वापस बुलाने और स्थानीय लोगों को कथित उत्पीड़न रोकने और कश्मीरी लोगों की सहमति के बिना कोई कदम नहीं उठाए जाने की मांग को लेकर के जो है ये बात कही है। राजधानी के जंतर मंतर पर शनिवार को विरोध प्रदर्शन भी इन लोगों ने किया है। वहीं आपको बता दूं, इसमें छात्रों और प्रमुख नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने समाज के सभी वर्गों और राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियन, छात्र संगठनों और अन्य लोगों, विशेष तौर पर देश के विभिन्न इलाकों में पढ़ रहे, काम कर रहे और रह रहे कश्मीरी युवाओं से कश्मीर के साथ खड़े होने की अपील भी कर दी है। तो यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों ने सुना ही होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका दी गई है, उस पर भी सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि 200 से अधिक लोगों ने फिर से आर्टिकल 370-35A जम्मू कश्मीर से बहाल करने की मांग खड़ी कर दी है।